आज हम आपको अचार बनाने की रेसिपी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आम के जो लच्छे होते हैं उसको निकाल लेंगे चाकू की सहायता से। अब हम सारे आम को एक एक करके काट लेंगे बारीक बारीक टुकड़ों में, मीडियम साइज के टुकड़ों में काटेंगे। इस तरह से काट लेंगे हम। इसी तरह से सारे आमों को काट कर हम उसकी जो गुठलियाँ होती है उसको निकाल लेंगे। देखिए इसकी गुठलियाँ निकाल रहे हैं हम। हमारी आम बिल्कुल कट चुकी है। अब इसमें हम नमक, हल्दी, मिर्च ये तीनों चीज़ को मिक्स करके इसको 12 घंटे के लिए ढक कर रख देंगे हम। आम में जो हम हल्दी, मिर्च और नमक डाल रहे हैं इससे आम में पूरी तरह से रसा आ जाएगा, ये पानी पानी हो जाएगा। इससे हमारी अचार मसाला मिक्स करने के बाद बढ़िया से ग्रेवीदार बन जाएगा, इसलिए इस प्रक्रिया को हम कर रहे हैं। इस तरह से करने से अचार बहुत ही बढ़िया बनता है। तो इसी प्रकार से सारे मसालों को हम मिक्स कर के इसको ढक कर रख देंगे। और जो हम इसमें डालने के लिए जो खड़ी मसाले लिए हैं वो इस प्रकार हैं। सरसों, सरसों दाल, मिर्च, धनिया, मेथी, लहसुन, कराई, कश्मीरी मिर्च, जीरा और ये नमक। ये हमारा अचार है, इसमें हमने कुछ मसाले डाल के छोड़े थे। देखिए इसमें कितना सारा पानी आ चुका है। इधर हम इन खड़ी मसालों को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, हल्का हल्का सुनहरा भून लेंगे ताकि इसकी सुगंध बहुत बढ़िया आए। हमने जो सारे खड़ी मसाला लिए थे उन सभी को भून रहे हैं। उसके बाद हम सारे मसालों को पीस लेंगे एक साथ। ये हमारे सारे मसाले हैं और ये हमारी सरसों का दाल है, खड़ी सरसों है, ये लहसुन का पेस्ट है और ये कश्मीरी लाल मिर्च। अब हम सभी मसालों को एक साथ मिला लेंगे। हम अपने अचार को इस धमेला में डाल लेंगे। देखिए हमारे अचार में कितना पानी आ गया है। इसको हमने एक दिन करीब 12 घंटे के लिए नमक, हल्दी और मिर्च डाल के रख दिया था, इस कारण इसमें पूरा पानी आ गया है। इससे इसी प्रोसीजर से हमारा अचार बहुत ही जबरदस्त बनेगा।
हम पूरा खाली कर लेते हैं। फिर सारे मसाले को हम इसी में मिक्स करेंगे। ये वाला अचार बनेगा। इसमें हम सारे मसाले को डाल देंगे, फिर इसको अच्छे से मिलाएंगे। मिर्ची बहुत ही तीखी है। देखिए कितना पानी है हमारे अचार में। इससे सारे मसाले अच्छी तरह से भीगेंगे और मिक्स होंगे। अब हमारी पूरी विधि को देखकर इसी तरह से अचार बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस अचार बनेगा। इसको सालों साल तक रखेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। आप साल भर स्टोर करके रखकर अच्छे से इसको खा सकते हो। हम इसमें थोड़ी सी हल्दी और डाल देंगे। ये एक पाव सरसों का तेल है, इसको हम गर्म कर लेंगे। चुका है। इसमें डाल देंगे। अब हम इस अचार को इसी बर्तन में 2-3 दिन तक स्टोर करके रखेंगे। उसके बाद फिर हम दूसरे डिब्बे में, एयर टाइट डिब्बे में भरेंगे इसको।
हमने इसको करीब एक हफ्ते तक इसी बाल्टी में हम रखेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास बर्तन नहीं है, ढक्कन वाला जार, उसका इंतजाम हो जाएगा तो फिर उसमें डालेंगे। आप अभी से इसको जार में भर सकते हो, ढक्कन वाला जार होगा आपके पास तो बड़ा बर्तन। और ये हफ्ता 15 दिन में खाने लायक हो जाए, हफ्ते भर में तो बिल्कुल खाने लायक हो जाएगा अचार। तो प्लीज आप हमारे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा, ताकि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अचार के डब्बे को हमेशा ढककर रखिए, इसको हमेशा एयर टाइट डब्बा में रखना ही चाहिए, क्योंकि खुले में फफूंद लगने का चांस ज्यादा रहता है, इसलिए हमेशा बिना हवा वाले ढक्कन लगा हुआ बर्तन में ही अचार को रखना चाहिए। अगर अचार में नमक कम लगे तो उसमें नमक फिर डाल देना चाहिए, क्योंकि नमक कम होता है अगर अचार में तो अचार में फफूंद बहुत जल्दी लगता है और खराब हो जाता है, इसलिए इस टिप्स को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।